वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें फेसबुक पेज पर दिया गया है मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने को मंजूरी दी है साथ ही सात दिन में आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं यह भी कहा कि प्रदेश में कुल आरक्षण फिफ्टी से अधिक नहीं होना चाहिए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस मई को ट्रिपल टेस्ट की आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की थी महत्वपूर्ण बात यह है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरक्षण करने का आदेश दिया गया है कर्मचारियों अधिकारियों के लिए काम की खबर नाम और नंबर होंगे जारी इन्हें मिलेगा लाभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के, के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर है पेयजल आपूर्ति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और नंबर जारी किए जाएंगे ताकि ये जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का फोन जल्द उठाए नगरीय विकास और आवास और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को भोपाल के पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि पानी की किस टंकी से किस समय जलापूर्ति होगी इसकी जानकारी के साथ ही कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को फोन जल्द उठाए पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मध्य प्रदेश में चुनावी नब्स ने निकायों का दौरा करेंगे भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर भले ही साफ हुई हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। निकाय चुनाव के लिए प्रभारी तैनात कर दिए गए हैं पार्टी ने कहा है कि सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार के जिलों में आए और तीन दिन वहीं रहकर कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं की नब्स टोले प्रभारियों को अध्यक्ष महापौर के टिकट के दावेदारों का भी पता लगाने के लिए कहा गया है अठारह से इक्कीस मई तक वे प्रभार के जिलों में रहेंगे और लौटकर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे जबलपुर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश दूसरे प्रदेश के युवा भी दे सकेंगे राज्य इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा अब दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी मध्य प्रदेश में राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा दे सकेंगे हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी मध्य प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में शामिल करने के निर्देश दिए हैं जस्टिस एस ए धर्माधिकारी व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल ने संबंधित समान अवसर देने की व्यवस्था की है हाईकोर्ट ने एम को निर्देश दिए हैं कि अपनी वेबसाइट में आवश्यक संशोधन करें ताकि बाहरी उम्मीदवार अपने फॉर्म भर सके आवश्यकता महसूस होने पर फॉर्म भरने के लिए नई तारीख घोषित कर सात दिन का समय दिया जाए उसके बाद परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आयोग ने स्थगित की परीक्षाएं एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है दरअसल द्वारा इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा दो और डेंटल सर्जन परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अठारह मई को विज्ञप्ति जारी की गई जिसके मुताबिक एमपीपीएससी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा और दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा को स्थगित कर दिया गया राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट निरस्त होंगे राशन कार्ड सरकार के दिशा निर्देश देश भर में फर्जी राशन कार्ड को लेकर मुहिम शुरू कर दी गई है दरअसल लगातार कई राज्यों को फेक राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार सचेत हो गई है वहीं सभी जिलों में राशन कार्ड धारक और अपात्र के राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई प्रदेश में हजारों लोगों ने अपने राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है सीएम शिवराज ने इक्कीस करोड़ रुपए की सौगात दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभा ठाकरे सभागार में मिशन नगरोदय के तहत इक्कीस हजार आठ सौ अट्ठावन करोड़ रुपए के विधिक विकास कार्यो का शुभारंभ लोकार्पण और भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे शहर ग्रोथ के इंजन है इन्हें सर्व युक्त बनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों के विकास के जो मंत्र दिए हैं उन पर मध्य प्रदेश तेजी से क्रियान्वयन करेगा कहा कि शहर अवैध कॉलोनीज की समस्या से भी जूझते हैं इसके लिए कॉलोनीज को वैध करने की नीति तैयार की गई है इन कॉलोनीज में सड़क और पेयजल जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी सरकारी वृद्धाश्रम में दिसंबर से शुरू हो जाएगा बुजुर्गों को प्रवेश मिलना मध्य प्रदेश के पहले सर्व युक्त सरकारी वृद्धाश्रम में दिसंबर 2022 से बुजुर्गों को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर वृद्धों के लिए कमरे आरक्षित किए जाएंगे इसके लिए उन्हें हर महीने तय किराया चुकाना होगा परिवार से तिरस्कृत वृद्धों को अकेलापन महसूस न हो इसलिए उन्हें मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए जाएंगे राजधानी में लिंक रोड नंबर तीन पर आकार ले रहे इस वृद्धाश्रम का नब्बे काम पूरा हो गया है सरकार इसकी तर्ज पर निजी क्षेत्र को भी ऐसे आश्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी बालाघाट में पैसे डबल करने का लालच दे ठगने वाले गिरोह गिरफ्तार दस करोड़ की राशि बरामद बालाघाट पुलिस ने रकम दुगनी करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के ग्यारह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया साथ ही आरोपियों के पास से लोगों से ठगे गए दस करोड़ रुपए भी बरामद किए गए पुलिस आरोपी से पूछताछ और अन्य जानकारी हासिल करने में लगी है इस मामले में मास्टर सोमेंद्र सोमेंद्रित कांकरणे अमादारे और अजय टिड़के समेत अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा कि यह पूरा फर्जीवाड़ा लोगों को बहला फुसला कर किया जा रहा है इसलिए जरूरी है कि लोग जागरूक हो और धोखे का शिकार न हो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने खोले दाखिले के दरवाजे आज से ऑनलाइन आवेदन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दरवाजे खोल दिए हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू है विद्यार्थी पसंदीदा विषयों में अपना पंजीयन करवा सकते हैं पहली सूची सात जून को जारी होगी इस संबंध में प्रवेश समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर शैलेश चौबे ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रम बी ए बी कॉम बी एस सी बी एम सी बीजेस बी लिब एस सी बी एल एल बी बी सी ए बीबीए एवं विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्ष दो हजार बाईस तेईस की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है देश में जल्द खुलेंगे पांच नए बैंक बैंकिंग लाइसेंस के छह आवेदन को आरबीआई ने खारिज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में नए बैंकों के गठन से जुड़ी छह एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है आरबीआई की तरफ से खारिज किए गए आवेदन में फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल की अगुवाई वाली चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड समेत छह कंपनीज की एप्लीकेशन को खारिज किया गया है आरबीआई ने जिन आवेदनों को खारिज किया उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े आवेदन भी हैं आरबीआई की तरफ से बताया गया कि इन आवेदनों को उपायुक्त नहीं पाए जाने के बाद कैंसिल किया गया है केंद्रीय बैंक ने कहा आवेदनों की जांच प्रक्रिया तय मानकों के हिसाब से पूरी कर ली गई है प्रतिबंध ऐसी अटके गेहूं को बंदरगाहों पर उतरवाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में इंदौर में दोनों कृषि उपज मंडियों संयोगितागंज और लक्ष्मीबाई मंडी में व्यापारियों ने कामकाज बंद रखा इस दौरान करीब हजार वो ही गेहूँ मंडियों में पहुंचा हालांकि व्यापारियों ने लौटा दिया बाद में किसानों ने माल का सौदा मंडी के बाहर कर दिया इस बीच सकल अनाज तिलहन व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला महंगाई भत्ते में एक साथ चौदह फीसद की बम्पर हाईक साथ में मिलेगा दस महीने का मोटा एरियर रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ चौदह फीसदी की बढ़ोतरी की ये वे कर्मचारी हैं जो छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे हैं इस आईक से इनकी सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी होगी साथ ही दस महीने का मोटा एरियर भी मिलेगा रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की है उसका कहना है कि जो कर्मचारी छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे हैं उनके महंगाई भत्ते में एक जुलाई दो और एक जनवरी दो से बढ़ोतरी हो गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित दो युद्धपोत सूरत और उदयगरी को किया लॉन्च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतो सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक्स में लॉन्च किया कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी रूप से निर्मित दो युद्ध पोतों को एक साथ लॉन्च किया जाया है एमडीएल एक प्रमुख जहाज और पंडुबी निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है Shh. <sharp inhale> भारत के इस दांव से पाम तेल एक्सपोर्ट की पाबंदी हटाने को मजबूर होगा इंडोनेशिया इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट बंद करके भारत के उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है यहां पर खाद्य तेल महंगे हो गए हैं लेकिन अब भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर इंडोनेशिया को दबाव में आने पर मजबूर कर दिया है इंडोनेशिया भारत से गेहूं का बड़ा खरीदार है अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि इंडोनेशिया सरकार यदि तुरंत प्रतिबंध नहीं हटाती है तो भारत सरकार को भी इंडोनेशिया में निर्यात होने वाली चीनी एवं ने आवश्यक वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए जिससे इंडोनेशिया नाक दबाने पर मुंह खुलने वाली स्थिति में आ जाएगी एमपी में फिर बदलेगा मौसम 22 मई को एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ बूंदाबांदी के आसार इन दिनों भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं मानसून अंडमान निकोबार पहुंच चुका है और 27 मई तक इसकी केरल पहुंचने की संभावना है एमपी मौसम विभाग ने आज को किसी भी जिले में कोई अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की लेकिन सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी सीएम शिवराज के नर्मदा को लेकर बड़ी घोषणा किसानों से बड़ी अपील मिलेगा सत्रह करोड़ रुपए का लाभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां बीते दिन शाम चार बजे रीवा में किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया उससे पहले उन्होंने किसानों से नेचुरल फार्मिंग पर जोर देने की बात कही सीहोर में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने किसानों से चर्चा की इस दौरान उन्होंने कहा कि पांच एकड़ भूमि पर खरीफ की फसल में भी प्राकृतिक खेती शुरू करूंगा इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपने खेत के आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करें मध्य प्रदेश में बढ़ रहा बाघों का शिकार फाइल्स में कैद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वर्ष 2018 के बाघ आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा के दावे भी किए जाते हैं पर असल स्थिति कुछ और है प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं पिछले साल बयालीस बाघों की मौत हुई थी और इस साल साढ़े माह में अठारह बाघ मर चुके हैं इस गंभीर संकट के बीच सरकारी व्यवस्था का आलम यह है कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक दशक में भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन ही नहीं हो पाया जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष तो 2012 में कान्हा बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में फोर्स गठित करने की सलाह दी थी ओबीसी आरक्षण फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कही ये बड़ी बात मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला आ गया है और यह फैसला आया है कि मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बड़ी जीत मान रही है इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी स्वागत किया लेकिन वे इसे न्याय की जीत मान रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान मुस्लिमों को अपना आदर्श बनाओ खंडवा के ग्राम रोहिणी में गौ पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को मुस्लिमों को आदर्श बनाने की सलाह दे डाली उनका ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि बच्चों में धार्मिक संस्कार कट्टरता से और दृढ़ता से देना माता बहनों और परिवारजनों की जिम्मेदारी है संस्कारों की कट्टरता सीखनी हो तो मुस्लिमों को अपना आदर्श बनाओ जो समय तय है उस समय पर सिर पर टोपी रखेंगे छोटा और बड़ा बच्चा हो अधिकारी हो या फिर व्यापारी हो दुनिया के सब काम छोड़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे चौदह वर्ष से वीरान पड़े प्रशासनिक भवन में खुलेगा होटल कृषि उपज मंडी में प्रशासनिक कार्यालय व फूड प्लाजा वर्षों से वीरान पड़ा है मंडी प्रशासन ने अब इसकी सुध ली है इस भवन का उपयोग किसानों व्यापारियों के लिए होटल व रेस्टोरेंट के रूप में किए जाने की तैयारी कर रहा है इसके लिए निविदा निकालने किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी वर्ष दो में प्रांगण में पचास लाख रूपये की लागत से प्रशासनिक व्यवस्था व फूड प्लाजा के लिए एक भवन बनाया गया जिसमें किसानों के लिए खान व रुकने के लिए कमरे बनाए गए हैं पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान सभी पर पड़ेगा असर पीएम आवास के लाभार्थी हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें सरकार ने पीएम आवास को लेकर बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है गौरतलब है कि सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत दो, दो करोड़ पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा अब तक लगभग दो करोड़ पक्के आवास बनाकर दिए हैं लेकिन अब तक भी कई परिवार बाकी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दो तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट निरस्त होंगे राशन कार्ड सरकार के दिशा निर्देश इन्हें नहीं मिलेगा देश भर में फर्जी राशन कार्ड को लेकर मुहिम शुरू कर दी गई है दरअसल लगातार कई राज्यों को फेक राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार सचेत हो गई वहीं सभी जिलों में राशन कार्ड धारक और अपात्र के राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई प्रदेश में हजारों लोगों ने अपने राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है सरकार किसानों को फ्री में ग्यारह हजार रूपए देगी खाद के लिए इस आर्टिकल में पीएम किसान खाद योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जानेंगे कि पीएम किसान खाद योजना क्या है पीएम किसान खाद योजना रजिस्ट्रेशन पीएम किसान खाद योजना ऑनलाइन अप्लाई दो और यदि आप एक किसान हैं, तो कैसे आपको रुपए ग्यारह हजार खाद के लिए सब्सिडी ले सकते हैं अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक सावधान नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपका हेलमेट पहने होने के बावजूद दो हजार रुपये का चालान कर सकता है ऐसा कैसे हो सकता है दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बंदी तो नियम एक सौ चौरानवे डी एम वी ए के अनुसार आपका हजार रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट पहना है तो एक सौ डी एम वी ए के अनुसार आपका हजार रुपए का चालान कर सकता है ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन न करने के कारण आपको दो हजार का चालान भुगतना पड़ सकता है तो ये थी आज की पच्चीस फटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद